भट्ट जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति है, सो चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन तीन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी उग्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर फोर कराया कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है, चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। सो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी बी, दैट्स मीन तीन। गुलेरी जी ने जो कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो तीन कहानी लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फाइव कराया कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीतर, सॉरी किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू हुई थी होती है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है हरियाणा, उसके बाद कंगारा, और नीचे में यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है अमृतसर और जयपुर। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो फाइव का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी अमृतसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या करा है, देखिए करा है कि किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, तो चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी जर्मनी से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन कराया, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। तो देखिए ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग को, सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी छात्र आंदोलन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कराया, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम जो है क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी हर क्या कहते हैं हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा, हर्षुदयाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन करा है, क्या करा है कि रेणुका जो है किसकी रचना है, रेणुका जो है किसकी रचना है। सो ऑप्शन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दस करा है कि मालती के पति का जो है क्या नाम है, मालती के पति का नाम क्या है। देखिए ऑप्शन आप लोग, सो दस का फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी द ए, दैट्स मीन महेश्वर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महेश्वर। दस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वगैरह करा है, क्या करा है कि कहानी सॉरी कहरानामा जो है किसकी कृति है, कहरानामा वो है जो कृति किसकी है। देखिए ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोगों को, सो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी ए, दैट्स मीन मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बारह करा है कि साहित्य लहरी रचना जो है वो है, मैंने क्या है साहित्य लहरी रचना वो क्या है इनमें से। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों जो है ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पे डी जाएगा, सूरदास की। साहित्य लहरी रचना जो है वो किसकी है, वो सूरदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन तेरह कह रहा है कि सूर जो काव्य के तीन प्रधान विषय है, सूर काव्य के तीन प्रधान विषय है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नीचे में है, से देखिए यहाँ पे ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ है। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो तेरह का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विनय भक्ति, उसके बाद वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये किसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, किसका, तो तेरह का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौदह क्या करा, करा कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तुलसीदास की माता का नाम इनमें से क्या था। देखिए ऑप्शन को, तो चौदह का ऑप्शन फाइनल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी, यानी हुलसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हुलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करा है कि कवितावली किसकी रचना है, कवितावली जो है इनमें से किसकी रचना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे, तो पंद्रह का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन करा क्या करा है, देख पा रहे होंगे कि धू स्वामिनी किसने जो है लिखा है इनमें से। सो ऑप्शन देख ले होंगे आप लोग, तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करा है कि इंदु का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था, इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था हुआ, तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन ए में यहाँ पे 1905 दिया, 1907, 1908, 1909। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1909। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एटीन क्या करा है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु जो कैसे हुई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु इनमें से किस कारण से हुई थी। तो देखिए फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार दुर्घटना में। क्या हो गई, कार दुर्घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 करा है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह है, बिखरे मोती कहानी जो है संग्रह इनमें से क्या है। सो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 करा करा 20वां करा है कि दूसरा सप्तक किसने लिखा है, दूसरा सप्तक इनमें से किसने लिखा है। सो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बीस का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बीस का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, काफ़ी ईजी होगा आप लोगों के लिए।
सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्याजुर आलय। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 कर रहा है, क्या कह रहा है कि संचय का संधि विच्छेद होगा, इनमें से कौन सा संचय का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए ऑप्शन को। सो 22 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समझोर चय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 23 कर रहा है, क्या कह रहा है कि यथोचित का संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा जो यथोचित का संधि विच्छेद है। सो देखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार में याद नहीं होता तो दूसरी बार जरूर दिखेगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे लिंक बताया कि वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप लोग जाकर अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपना पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो 23 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यथाजो उचित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का अगर देखिए ध्यान से कराया कि नीरव का संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा जो नीरव का संधि विच्छेद है। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, निज और रव, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 का, अगर आप कह रहे तथापि, तथापि का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, देखिए ध्यान से ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो 25 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी तथा जो अपी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अतिशय में कौन सा जो उपसर्ग है, अतिशय इनमें से उपसर्ग कौन सा है चुनना है, तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी अति, ठीक है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है तो अति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 26 तो हो गया यहाँ पे, और क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वामत में उपसर्ग है, स्वामत में इनमें से कौन सा जो उपसर्ग है। सो देखिए राइट ऑप्शन तो आप लोग पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय में, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को। सो 27 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सु, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वामत में उपसर्ग जो है वो सु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रभुता में जो प्रत्यय कौन सा है, देखिए ऑप्शन को, तो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ता, ठीक है, प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है तो ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गायक में प्रत्यय है, गायक में जो है प्रत्यय इनमें से कौन सा है, तो देखिए 29 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, बाछे दिया हुआ है, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी अत्यंत प्रसन्न होना, सॉरी प्रसन्न होना यानी खुश होना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी प्रचलित मुहावरा है, देख पा रहे होंगे, हाथ पैर मारना मुहावरे का जो अर्थ क्या है, इनमें से चार ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं बट दो ऑप्शन नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। सो देखिए पैर से मारना और काफ़ी प्रयत्न करना, सो काफ़ी ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोग को, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काफ़ी प्रयत्न करना है। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि लेने के देने पर ना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सो देखिए ऑप्शन को। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाभ के बदले हानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 करा, सोमवार, सोमवार जो है संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, सो देखिए यहाँ पे, सो 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है, सोमवार जो है कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि घर जो है संज्ञा है, घर जो है कौन सी संज्ञा है, तो घर जो है ये एक तरह का जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है, 34 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 करा कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, मैं से जो है किस कारक की विभक्ति है, सो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को, जब आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो राइट ऑप्शन के निकलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करण, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि गीला, गीला का विलोम होता है, यानी होगा इनमें से कौन सा जो है गीला का विलोम होगा, तो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखा, ठीक है, ये काफ़ी ईजी था। आगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उग्र का विलोम होता है, सॉरी होगा, तो देखिए यहाँ पे उग्र का विलोम जो है इनमें से कौन सा होगा, सो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सौम्य। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 करा क्या कह रहा है कि जागरण का विपरीत अर्थक शब्द है, इनमें से कौन जो है वो जागरण का विपरीत अर्थक शब्द है, सो 38 का फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निंद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि भूत, भूत जो है इसका विपरीत आर्थिक शब्द क्या हो जाएगा, तो भूत का विपरीत आर्थिक जो शब्द होगा वो जाएगा भविष्य, ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्वेश्चन 40 कराया कि कर्म, कर्म जो है इसका विशेषण क्या होगा, इनमें से कौन सा कर्म का विशेषण होगा, सो 40 का फाइनल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी कार्मिक, कार्मिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कराया कि चतुर्थ, चतुर्थ जो शब्द है इनमें से है, यानी क्या है, सो देखिए ऑप्शन को, सो 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी तद्भव, क्या है, तद्भव है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कराया खिड़की, खिड़की शब्द जो है वो क्या है, खिड़की शब्द इनमें से क्या है, दो ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है और दो ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, सो फाइनल 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, यानी
देशज, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए देशज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कह रहा है कि बखूबी कौन सा समास है, बखूबी जो है इनमें से समास जो दिया वो कौन सा समास है। सो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ना, अवि भाव समास, क्या हो जाएगा अवि भाव समास। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रस भरा जो है इनमें से कौन सा समास है। सो ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास है। रस भरा वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि राजभवन, राजभवन जो इनमें समास जो वो कौन सा समास है। तो देखिए ऑप्शन को, सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि धर्माधर्म जो समास है इनमें से कौन सा समास है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखे होंगे तो आपको नया लगता होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि त्रिभुवन समास ये इनमें से कौन सा है। 47 का जाएगा, तो चार ऑप्शन देख रहे होंगे, तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, द्विंगु समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जो कहा ना जा सके वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है इनमें से। सो 48 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी अकथनीय मैं, तो वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कह रहा है जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो वो क्या कहलाता है। सो फाइनल देखिए यहाँ पे 49 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी नौनाथ, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50 करा कि मैं खाना खा चुका तब वह आया वाक्य है, इनमें से कौन सा ये वाक्य है। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, यानी मिश्रण वाक्य। तो आप लोग को 60 क्वेश्चन पूछा था, 60 में 50 का आंसर देना है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इनमें से कौन सा रचना जो है तुलसी की है। ठीक है, 51 का आप लोग आंसर बताइए, 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जिस जिसको आपने अपना एडमिशन नहीं किया है तो आप लोग एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, 8210775। मैं रुक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको पूरी तरह से दिख सके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8210775306, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आके आप लोग अपना एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाकर के फुल्ली तैयारी कर सकते हैं। यहीं से वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।